दहिसर से गायब हुए थे अमर अकबर एंथोनी और पुलिस ने महज 10 घंटे में इन्हें बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि मुंबई के दहिसर पुलिस स्टेशन की हद में अचानक 3 नाबालिग गायब हो गए थे। इलाके में इनके गायब होने से हड़कंप मच गया था। बच्चों के गायब होने की शिकायत दहिसर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर मुंबई अतिरिक्त पुलिस विभाग की पूरी टीम को बच्चों को खोजने में लगाया गया था। पुलिस की टीम लगातार 10 घंटे तक बच्चों की तलाश पूरे मुंबई में करती रही। करीब 10 घंटे बाद गायब हुए बच्चे अचानक पुलिस के सामने भयंदर इलाके में आ गए, जिसके बाद पुलिस की जान में जान आ गई। गायब हुए बच्चों में से एक बच्चे का नाम है संतोष सलीम चुनारा 10 साल, दूसरे का नाम है राम मछिंद्रा राछे 9 साल, तीसरे का नाम है महेश मछिंद्रा राछे 5 साल। ये सभी बच्चे दहिसर बाभलीपाड़ा से भयंदर घूमने गए थे। दहिसर सीनियर PI प्रवीण पाटिल के अनुसार यह बच्चे बाभलीपाड़ा इलाके के रहने वाले हैं और इनमें 2 सगे भाई हैं, जबकि सबसे बड़ा बच्चा पड़ोस में रहता है। सभी बच्चे खेलने के बहाने घर से निकले थे और दहिसर से ट्रेन पकड़कर तीनों भयंदर चले गए और भयंदर में एक मॉल के पास क्रिसमस का मेला लगा हुआ था। वहीं पर ये तीनों रात को मेला देखने के बाद वहीं पर सो गए थे। इधर नॉर्थ रीजन के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने उत्तर प्रादेशिक विभाग की पुलिस की 5 टीम बनाकर मुंबई के सभी बेगर्स होम, गार्डन, पार्क, रेलवे स्टेशन, ऑटो रिक्शा पार्किंग में पूरी रात इन बच्चों की तलाशी अभियान चलाई गई, लेकिन सुबह तक पुलिस को निराशा लगी। दहिसर पुलिस की अन्य टीम जब रेलवे स्टेशन का फुटेज खंगाला तो उनमें ये तीनों बच्चे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हुए दिखाई दिए। इसी फुटेज को फॉलो करते हुए टीम भयंदर तक गई और भयंदर पुलिस स्टेशन के बाहर जब पुलिस बच्चों की तस्वीरें दिखाकर पूछताछ कर रही थी, तभी ये बच्चे वहां से जाते हुए नजर आए। पुलिस बच्चों को दहिसर लेकर आई। उनसे पूछताछ के बाद बच्चों को परिवार वालों को सौंप दिया गया है। मिसिंग मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने किडनैपिंग, बेगर्स सहित अन्य एंगल की जांच शुरू की थी। फिलहाल सभी बच्चे सुरक्षित अपने परिवार के पास पहुंच गए हैं। इस पूरे मामले में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दहिसर के प्रवीण पाटिल ने क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। दहिसर पुलिस थाने के एरिया में बाबलीपाड़ा से 3 अल्पवयीन बालक, जिनकी उम्र 10 साल, 7 साल और 5 साल है, वो लापता है करके एक तकरार पुलिस स्टेशन में प्राप्त हुई थी। पुलिस स्टेशन में गुना रजिस्टर होने के बाद माननीय पुलिस अपर पुलिस आयुक्त जैन साहब, पुलिस उपायुक्त पाटिल मैडम, ACP पिंगले साहब, इन्होंने तत्काल जोन की 5 टीमें बना के इसका इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया। इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ कि ये जो तीनों बच्चे हैं, ये 2 बजे के लगभग ट्रेन पकड़ के विरार की तरफ चले गए थे। तो वो उसके दरमियान हमारी टीम दहिसर पुलिस स्टेशन की गुन्हे प्रकटकरण की पथक के थोरात और रंजीत चौहान, उनकी टीम भाईंदर में, भाईंदर रेलवे स्टेशन के बाहर पूछताछ कर रही थी। तभी उन्हें वो तीनों अल्पवयीन बालक वहाँ मिल गए, उनको ताबे में लिया और तुरंत पुलिस स्टेशन में लाके उनके माँ बाप के ताबे में उनको दे दिया गया है। सर, ये तीनों बच्चे पहले वो दहिसर में उनके एरिया में खेल रहे थे, उसके बाद में जो 10 साल का लड़का है उसने ये दोनों को समझा के उनको रेलवे स्टेशन लेके गया और वहाँ से ट्रेन में बैठ के ये लोग भाईंदर में मैक्सिस मॉल के वहाँ कुछ क्रिसमस फेस्टिवल का कुछ फेस्ट चल रहा है, वहाँ फेस्ट में गए और वहाँ रात भर फेस्ट में घूमे और वहाँ ही सोए थे और फिर सुबह उठ के वो वहाँ यहाँ वहाँ भाईंदर में टहल रहे थे। सर, पुलिस ये तीनों बालक अल्पवयीन होने की वजह से पुलिस चारों तरफ से तहकीकात कर रही थी, तो उसी दरमियान पुलिस को भाईंदर में ये तीनों बालक मिल गए।